हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मैदे से बहुत ही टेस्टी और यम्मी नमक पारे बनाने, जिसमें मैंने हाफ के जी के लगभग मैदे लिए हैं। आज मैं मैदे का नमक पारा, मैंने आटे का ऑलरेडी नमक पारा डाल चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी के लगभग 500 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, उसमें मैं 1 से 1.5 स्पून के लगभग मैंने कलौंजी डाला है, उतना ही के लगभग मैंने यहाँ अजवाइन डाला है। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है ये सब जो इंग्रेडिएंट्स डालने से। यहाँ 1/2 चम्मच के लगभग मैंने काला नमक लिया है और सारा नमक 1 चम्मच के लगभग पूरा मिला करके कुल 1 चम्मच के लगभग नमक है। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिला लें। और 1 कटोरी के लगभग मैं यहाँ पर रिफाइन लूँगी, रिफाइन आप चाहे तो घी में भी ऐड डाल करके इसे अच्छे से इसे मल लें, इस तरह से इसमें डालें और इस तरह से आप एक हाथ से हाथों की सहायता से इसे मिलाते रहें। जब तक मुट्ठी ना बंद है तब तक आप इसे अच्छे से मिलाएं। और मैं यहाँ गर्म पानी का यूज करूँगी इसे आटा गूँथने में। तो चलिए मैं इसे मिला करके गूँथ लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब है कि अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और अब ये आटा सानने के लिए तैयार है। आप इसे थोड़े थोड़े पानी डाल दें, 1 गिलास के लगभग मैंने पानी लिया, लगभग 1/2 गिलास इसमें लगेंगे। थोड़े थोड़े डाल करके इस तरह से आप इसका आटा गूँथ लें, टाइट ही आटा गूँथे। आप देख सकते हैं मैंने इसे आटे को रेस्ट पे रख दिया है। इस तरह से आप भी इसे रख लें, इसे फिर से दोबारा कैसे करके इसे छोटा छोटा ले लिया, बड़ा बड़ा इतना छोटा या बड़ा तो काट लें और इसे चकले पे बेलन की सहायता। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोहिया कर लिया, इसे चकले पे इस तरह से डाल करके इसे पतला सा राउंड शेप में इस तरह से बेले। उसके बाद मैं इसे कट करूँगी, जो आप लोग को दिखाऊंगी कट करते हुए। तो चलिए मैं इसे बेल लेती हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने गोल राउंड कर लिया इसे। आप इतना ही पतला आप रखे, इसे ज़्यादा मोटा ना करें। इस तरह से मैं लंबा लंबा शेप दूंगी, आप चाहे तो और भी शेप इसे दे सकते हैं। ऐसे मैंने 2-3 शेप की डिजाइन में आटे के नमकीन में आप लोगों को बताई हुई हूँ, जहाँ आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से इसे पतला पतला जितना इतनी करारी खस्ती ये होती है, आप इसे महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह से आप इसे कट देख सकते हैं। इधर मैंने तेल भी गर्म कर लिए हैं, धीमा फ्लेम पर ही तेल को करें और आप चेक कर लें कि तेल गर्म अच्छे से हुआ है कि नहीं। और इसमें आप इसे डाल करके इस तरह से इसे एक एक करके हाथों से डालें, न डालें नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। यहाँ मैंने इसे और भी नाल सारे के सारे बार इसे बना लें, थोड़े थोड़े करके इसे बराबर से चलाते रहें। और गोले होने के लिए इसे आप हल्का सा तेज फ्लेम कर दे, नहीं तो इसे बराबर से नहीं चलाएंगे तो कहीं नहीं पकेगा अच्छे से, कहीं नहीं पकेगा और इतनी खस्ती नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग सब ध्यान से चलाए। और मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है, इस तरह का सुनहरा कलर हो जाए तो इसे निकालिए। मैं आप लोगों को दूसरे शेप का भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आप दूसरे शेप में भी, यहाँ मैंने पूड़ियाँ बेल ली है, इस तरह से आप ढक्कन की सहायता से काजू शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। एक ढक्कन की सहायता से आप चांद के आकार का भी इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से दबाते जाएँ। तो मैं आपको यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बनाए हैं, आप ये डिजाइन दे सकते हैं। यह देखिए आप लोग गर्मा गर्म कितनी क्रिस्पी और टेस्टी लग रही है, जितनी ये देखिए कितनी कुरकुर आवाज़ आ रही है। आप लोग ये सब चीज़ बनाएँ और ऐसा बना मुझसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।